हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि अभी भी मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण है 40% अभी भी बचा हुआ है, तो 2023 के जो नीट होगी उसमें जो स्टूडेंट अपियर होंगे उनको जो एमबीबीएस मिलेगी तो वो आखिर कैसे यहाँ पर एमबीबीएस कर पाएंगे जब कंप्लीट मेडिकल कॉलेज ही नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। बुरी खबर स्टूडेंट के लिए यही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले वीडियो को लाइक भी कर देना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर देना ताकि सबको इन्फॉर्मेशन पता चल पाए जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, मेडिकल कॉलेज का निर्माण अभी भी 40% बचा हुआ है, तो कक्षाएं कैसे चल पाएंगी 2023 के सेशन से। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि अभी तक 1.5 साल में सिर्फ 60% काम ही इस मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट हो पाया है। इसका काम इतना धीरे होने की वजह से जो शासन है और जो जिला प्रशासन है उनकी सख्ती इसके ऊपर बढ़ाई गई है, सख्ती बढ़ी है तब जाके यहाँ पर इनका काम थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, इसमें थोड़ी गति आई है। अगर आपको बताना चाहें कि इस जो मेडिकल कॉलेज है ये जो बननी थी जून के लास्ट वीक तक, हर हाल में दुबेपुर में बनने वाला जो कॉलेज है उसकी बिल्डिंग्स बनना कंपलसरी है, यानी कि ये डिसाइडेड था पहले ही कि जून के लास्ट वीक तक यहाँ पर जो कॉलेज की बिल्डिंग्स है वो कंप्लीट बन के तैयार हो जाएंगी। उसके बाद जो बचे हुए टाइम है उसके अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स चीजें तैयार होंगी। तो दुबेपुर में करीब 22.5 एकड़ की जमीन के ऊपर बनने वाला जो मेडिकल कॉलेज है उसकी कॉस्ट जो होनी थी वो 273 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए इस कॉलेज के अंदर G6, G7 और G8 कैटेगरी की इमारतों का निर्माण करवाया जा रहा है। अब ये होती क्या है इसकी डिटेल अपन को जाना नहीं है, अपन को मेन मतलब है कि यहाँ पर 100 MBBS सीटें अवेलेबल होंगी अगर ये मेडिकल कॉलेज टाइम पे तैयार हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि लास्ट डेट ऑफ कंप्लीट होने वाली ये कॉलेज की जो डेट दी गई थी उस टाइम पे जब ये स्टार्ट हुई थी तब 30 जून 2023 तक ये बनना कंप्लीट बताया जा रहा था कि इस डेट तक ये मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से 2023 के अंदर जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये कॉलेज अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर 100 सीटें अवेलेबल हो जाएंगी नीट 2023 के सेशन से। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर ये काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो करीब 100 सीटों का लॉस हो जाएगा स्टूडेंट को 2023 के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेकार न्यूज ये है, कि कितना स्लो काम यहाँ पर करते हैं, एक बच्चे का फ्यूचर के लिए कितना अनसिक्योर ये लोग हैं। कि अगर आप सपोज करके देखो कि अगर ये मेडिकल कॉलेज टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो वो 100 स्टूडेंट जो एक मेडिकल कॉलेज की सीट मिल सकती थी जिनको, वो सिर्फ एक या दो नंबर से पीछे रह गए हैं, कितना बुरा उनको लगता होगा एक बार सोच के देखो आप। तो मेन बात बताने का मकसद यही था कि अगर ये टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो उन 100 स्टूडेंट का सपना जिन्होंने रात दिन मिलके देखा हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है, स्टूडेंट ने देखा हुआ है, उनके माता पिता देखते होंगे, सब लोग वो सपना देखते होंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। लेकिन इस तरीके के अगर काम होते रहेंगे तो ये सपने, आप बताओ कि एक साथ 100 लोगों के सपने टूटेंगे, क्योंकि अगर ये मेडिकल कॉलेज टाइम पे तैयार हो जाता है तो करीब 100 स्टूडेंट को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कंप्लीट 100 सीटें होंगी जिसकी में क्लासें चलनी होंगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे दुखी दुखी वाली खबर यही थी इस वीडियो के अंदर कि अगर ये 100 सीटें नहीं बनी तो 100 सीटों का लॉस हो जाएगा, जिससे कि 100 स्टूडेंट का सपना टूटेगा। उनके साथ साथ उनकी फैमिली के कितने मेंबर हो सकते हैं आप खुद अंदाजा इस चीज़ का लगा सकते हो कि उनका सपना भी टूटेगा। तो मेन मकसद ये वीडियो का यही था कि अगर इस तरीके की चीज़ें जो कंपलसरी हैं तो उनको जल्द से जल्द टाइम पे तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस लिए बनाया गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही हर टाइप की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए और ये चीज़ें जल्दी से कंप्लीट हो पाए, ये काम आपका टाइम पर पूरा हो पाए। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।